आज तो मेरी बेटा बड़ा हो चुका है, ना जाने मेरा बेटा कहाँ हो गया। आज मैं अपने बेटे को आवाज लगाती हूँ और देखती हूँ मेरे बेटा कहाँ है। भूख लगी थी, मैं भूख के कारण जंगल चला गया था।
क्या आज तुम भिक्षा मांगने के लिए इस नगर बस्ती में नहीं गई थी क्या? बेटा, आज तो मैं नगर बस्ती भिक्षा मांगने के लिए नहीं गई हूँ बेटा। शिवा, आज मैं भूख के कारण तड़प रहा हूँ। मुझे इतनी जोर से भूख लगी है, ये राह मुझे चला नहीं जा रहा है। हमें भोजन चाहिए इसी समय। बेटा, मैं गरम बस्ती मैं अवश्य भिक्षा लाऊंगी बेटा। जरूर माँ। बेटा, तुम इस झोपड़ी में आराम करना और मैं गरम बस्ती से भिक्षा मांग के अवश्य लाऊंगी। आज मैं अपनी झोपड़ी में बैठ गई, मैं तुम्हारी राह देखूंगा। क्यों नहीं बेटा, परंतु माँ भिक्षा मांग कर जल्दी से चले आना। हाँ बेटा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ठीक है, जाओ माँ, मैं इंतजार करूंगा। क्यों नहीं माँ, भिक्षा मांगने के लिए किस नगर बस्ती को गई है और जाते समय मुझे वचन दिया है कि पुत्र ध्रुव, मैं भिक्षा मांग के बहुत जल्द आ जाऊंगा। मुझे जाने में देर हो जाए परंतु आने में कोई अंधेर नहीं होगा, बस मेरा राह देखना। श्री भगवान, मेरी माता इतनी निर्धन गरीब है कि जंगल में झोपड़ी बना करके रहा करती है और नित प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए नगर बस्ती को जाती है। न जाने एक औलाद के लिए कितने कष्ट को सहन कर रही है माँ। आज मेरे कारण भिक्षा मांगने के लिए नगर बस्ती में गई है। इस दुनिया में मेरा जैसा कोई गरीब नहीं, अगर शायद कोई गरीब होंगे तो माँ और बेटे जैसा कोई बदनसीब नहीं जो आज दोहर की रोटी पाने के लिए, आत्मा के शांति के लिए माँ और बेटा हमेशा व्याकुल रहती। मैंने अपने जीवन में भगवान विष्णु को गुरु बनाए, उन्हीं का आराधना करता हूँ। न जाने भगवान विष्णु माँ और बेटे की कब मुझे इस दुख से छुटकारा मिलेंगे, इसलिए हमेशा मैं उन्हीं का स्मरण करते रहता हूँ। आई जब तक मेरी माता श्री लौट कर नहीं आई है तब तक मैं अपनी झोपड़ी में ही बैठकर मैं ईश्वर का गुणगान करूंगा। शायद ऊपर वाले वाली पास से मेरी माँ मेरे लिए अवश्य भोजन लाएंगे। सुमिरन
चर चले एक बने जंजे। विपत्ति के मारे मैं उस परम पिता को याद करता हूँ जिसे मैंने अपने जीवन में गुरु बनाए। ऊपर वाले कृपा से मेरी माँ को आंचल में अवश्य दान मिलेंगे। आइए चलेंगे एक निर्गुण भजन को। हल हल Thank you.